नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव खबर में। मैं हूं मनीषा तिवारी। हरियाणा शुरू से ही खेल के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के बल पर हमेशा ही आगे रहा है। हरियाणा की बेटियों और बेटों ने खेल जगत में देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना और देश का नाम रोशन किया है। हाल ही में हुई मध्य प्रदेश के जबलपुर स्टेडियम में 37वीं नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में नरेश कुमार और गीता यादव ने गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल जीतकर हरियाणा का नाम फिर से रोशन किया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्टेडियम में 37वीं नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इसमें हरियाणा से करीब 40 खिलाड़ियों ने अलग अलग एज और किलो भार में भाग लिया था, जिसमें गुरुग्राम की नरेश कुमार और गीता यादव ने अपने हौसले का जज्बा दिखाते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा किया, जिसके बाद इन खिलाड़ियों को इंडिया ताइक्वांडो फेडरेशन ने चाइना में होने वाली 2019 की वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए चुना है। मेरा नाम नरेश कुमार है और मैं हरियाणा से हूँ और मैं भारत ताइक्वांडो अकेडमी के अंदर ट्रेनिंग करता हूँ, ट्रेनिंग कराता भी। कितना आप गोल्ड लेके आए हैं, कैसा रहा वहाँ पर परफॉर्मेंस? सफर तो बहुत कठिन था क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से, लगभग मुझे 27 ईयर हो गए ताइक्वांडो करते हुए, और ये मेरा ड्रीम था कि मैं एक इंटरनेशनल लेवल पर जाऊँ और वहाँ के अपने देश का नाम रोशन करूँ और वहाँ पर गोल्ड लेकर आऊँ। मेरा नाम गीता यादव है और मैं मार्शल ताइक्वांडो अकेडमी में प्रैक्टिस करती हूँ। आप कितना टाइम होगा आपको प्रैक्टिस करते हुए? 7 ईयर्स। वहाँ जाने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ी, पूरा साल लग गया। वहाँ पे टोटल 33 टीमें थी जिनके साथ हमारा कंपटीशन था। और वहीं जीत के इस जश्न को गुरुग्राम में खिलाड़ियों के हौसला अफजाई के लिए बड़े बड़े ढोल नगाड़ों के साथ मनाया गया और खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर उनको सम्मानित किया गया। इस मौके पर एकेडमी के कोच और गुरुग्राम जिला स्पोर्ट्स यूथ अफेयर अधिकारी परशुराम ने खिलाड़ियों का जीत पर जमकर स्वागत किया और आश्वासन दिया कि इस जीत पर हरियाणा सरकार की खेल नीति के अनुसार उनको भी सम्मानित किया जाएगा, साथ ही हर बेहतर और संभव मदद भी की जाएगी। मैं परशुराम, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर ऑफिसर, गुरुग्राम। परशुराम जी, बच्चे ताइक्वांडो के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं प्राइवेट, इनको सरकार की तरफ से कितनी मदद करवा रहे हैं? जैसा कि आपने बताया कि बच्चे ताइक्वांडो के, और वास्तव में ताइक्वांडो का इतना अच्छा क्रेज है कि हमारे पास विभाग द्वारा भी सरकारी कोच नियुक्त किए गए हैं अभी, कुलवंत जी, कुछ महीने पहले। उसके बावजूद भी बच्चों के अंदर इतना क्रेज है कि जहाँ भी ताइक्वांडो को इनको अच्छे कोचेज मिलते हैं, जैसे कि ये अकेडमी जहाँ ये अभी फंक्शन हो रहा है, तो ये बच्चे डेफिनेटली वहाँ सीख के जाते हैं और ये हमारे हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं, गोल्ड मेडल लेके आए। तो मैं जो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए कोचेज हैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा। मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है, मैं गुड़गांव से जनरल सेक्रेटरी हूँ ताइक्वांडो का, और अभी जो हमारे बच्चे नेशनल खेलने गए थे MP में और वहाँ पर हमारे बच्चों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, और हमारे यहाँ से गुड़गांव से 12 बच्चे गए थे। मैं पूरे हरियाणा का मन वो बन के गया था, मैं क्या नाम है जो बच्चों टीम को टीम वर्क जो कैप्टन, और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा पूरे हरियाणा का, और उसमें गुड़गांव के हमारे 2 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज मेडल आया है, जिससे इन बच्चों का सिलेक्शन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हुआ है और नेशनल गेम्स में भी हमारी टीम जा सकती है जो 2019 में होने हैं अभी। तो काफ़ी मेहनत की लड़कों ने और लड़कियों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और जो बच्चे हमारे हारे भी हैं वो बिल्कुल थोड़े से मार्जिन से हारे हैं, और मैं चाहूँगा कि अगली बार हमारे और ज़्यादा मेडल आए गुड़गांव के लिए।